दोस्तों, अभी तक आपने लोगों के घरों में डॉग या कैट को देखा होगा, जिसे वह अपने बच्चों जैसा प्यार करते हैं। पर क्या आपने कभी किसी इंसान को टाइग्रेस पालते हुए देखा है? जी बिल्कुल नहीं देखा होगा। पर क्या आपने कभी ऐसा कुछ सुना भी है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने एक टाइग्रेस को अपनी बेटी जैसा प्यार किया और अपने जीवन के साथ साथ अपनी मौत को भी उसी के नाम कर दिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। अब आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको सच्ची घटना पर आधारित एक पिता और बेटी की कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है वाइल्ड लाइफ के लेजेंड सरोज राज चौधरी और उनकी टाइग्रेस बेटी खैरी की। सबसे पहले स्वगर्यवादी सरोज राज चौधरी की बात करें तो दोस्तों, सरोज राज चौधरी का नाम वाइल्ड लाइफ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। चौधरी जी ओडिशा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मौजूद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के इकलौते फाउंडर और फील्ड डायरेक्टर भी हैं। 2200 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में आपको बहुत से अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे और जानवर देखने को मिल जाएंगे। चौधरी जी टाइगर रिजर्व के सभी जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपना बच्चा समझकर उनका ख्याल रखते थे। उनको नियम से खाना पानी देने के साथ साथ समय समय पर उनका मेडिकल चेकअप भी कराते थे। इसके अलावा चौधरी जी वहाँ के पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार किया करते थे। चौधरी जी के परिवार में वे और उनकी पत्नी निहार नालिनी देवी ही थे और दोनों को ही प्रकृति से बहुत प्यार था, जिस वजह से वो शहर की तरफ रहने की बजाय यहीं जंगल में रहा करते थे। चौधरी जी का कहना था कि उन्हें जंगल की हरियाली और यहाँ के जानवरों के बीच रहने से सुकून मिलता है। दोस्तों, चौधरी जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये उड़ीसा के पहले कंजर्वेटर थे जिन्होंने कई जानवरों की स्पीसीज को अपने टाइगर रिजर्व में संभाल कर रखा था। इसके अलावा उड़ीसा में टाइगर को ट्रस्ट करने की तकनीक भी सबसे पहले सरोज राज चौधरी जी के द्वारा ही दी गई थी। चौधरी जी बहुत अच्छे से जानते थे कि किस जंगली जानवर को कैसे संभाला जाए, जिस वजह से बहुत दूर दूर से लोग उनसे ट्रेनिंग लेने भी आया करते थे। दोस्तों, बात कुछ 5 अक्टूबर 1974 की है। कुछ खैरी ट्राइब्स के लोग जंगल में शहद इकट्ठा करने के लिए गए हुए थे। यह आदिवासी लोग शहद इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक टाइग्रेस अपने 3 कब्स को लेकर खैरी नदी में पानी पीने आ रही है। टाइग्रेस को देखकर उनके होश उड़ गए। उन सभी को मालूम था कि अगर टाइग्रेस ने उन्हें देख लिया तो फिर उनका बच पाना मुश्किल है, जिस वजह से उन्होंने ही टाइग्रेस को भगाने का प्लान बना लिया और टाइग्रेस को भगाने के लिए सभी आदिवासी अपने अपने ड्रमों को जोर जोर से बजाने लगे, जिसकी आवाज सुनकर टाइग्रेस वहां से अपने बच्चों को लेकर भाग गई। पर अफसोस, भाग दौड़ की वजह से टाइग्रेस के साथ सिर्फ 2 कब्स ही जा पाए और एक बेचारी फीमेल बेबी टाइग्रेस वहीं नदी के पास ही रह गई। अकेले कब को देखकर उन आदिवासियों को उस पर दया आ गई, जिस वजह से वो लोग बेबी टाइग्रेस को अपने साथ ले गए और उसे चौधरी जी को सौंप दिया। चौधरी जी ने बिना कुछ सोचे समझे उस बेबी टाइग्रेस को अडॉप्ट कर लिया, और क्योंकि अब बेबी टाइग्रेस खैरी नदी के पास मिली थी तो इसका नाम चौधरी जी ने खैरी रख दिया। चौधरी जी की खुद की कोई संतान नहीं थी, शायद इसी वजह से वह जानवरों से बेहद मोहब्बत करते थे। खैरी के आने से पहले वे उनके घर में कई और जानवर रहा करते थे, पर खैरी से चौधरी जी का रिश्ता कुछ अलग ही था। वह खैरी के साथ पूरा दिन रहते थे, उसके साथ खेलते थे, खैरी के साथ खाना खाते थे और यहाँ तक कि चौधरी जी रात में खैरी के साथ सोते भी थे। और सिर्फ चौधरी जी ही नहीं बल्कि उनकी बीबी भी खैरी को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी और उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। खैरी और चौधरी जी के इस पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगा और मीडिया ने भी इनके इस रिश्ते को कवर किया और इस अद्भुत और अनमोल रिश्ते के बारे में दुनिया को बताया, जिसके बाद टाइग्रेस खैरी और इनके इस रिश्ते के ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। हालांकि जैसे जैसे खैरी बड़ी हो रही थी, चौधरी जी और उनकी बीबी नालिनी को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चौधरी परिवार खैरी को अपनी बेटी मानता था और किसी भी माता पिता को कभी अपने बच्चे से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वे लोग भी अपने सामने आने वाली हर दिक्कत का खुद सामना करते रहे। पर उन्होंने कभी भी खैरी के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी। खैरी बचपन से ही चौधरी जी के साथ उनके घर पर ही थी, जिस वजह से चौधरी जी और उनकी वाइफ को ही अपना माता पिता मानती थी। बचपन से चौधरी जी खैरी को अपने आसपास रहने वाले इंसानों से मिलवाते थे। तब खैरी इंसानों से बहुत फ्रेंडली थी और उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। जैसे जैसे खैरी बड़ी होने लगी, चौधरी जी उसे जंगल में ले जाने लगे।
उन्होंने उसे पूरे जंगल से परिचित करा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। उसके अंदर होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो मेटिंग करने के लिए पार्टनर को जरूर ढूंढना चाहेगी। और जैसा चौधरी जी ने सोचा था वैसा ही हुआ। खैरी ने जंगल में अकेले जाना शुरू कर दिया। वह मौका मिलते ही जंगल में निकल जाती थी और अपने लिए पार्टनर भी ढूंढती थी। पर बोलते हैं ना, प्यार का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, और उसी प्यार की वजह से वो शाम होते ही अपने घर वापस आ जाया करती थी। और अगर कभी वह लेट हो जाती तो चौधरी जी को चैन नहीं पड़ता। वह निकल पड़ते थे जंगल की ओर और अपनी बेटी को ढूंढने लगते थे। साल बीतते गए, समय के साथ इनका रिश्ता और गहरा हो गया। अब ये नौबत आ गई थी कि ना ही खैरी चौधरी जी के बिना रहती थी और ना ही चौधरी जी खैरी के बिना रह पाते थे। एक दिन चौधरी जी को किसी जरूरी काम की वजह से गांव से बाहर जाना पड़ा। उसके बाद उनके पीठ पीछे खैरी के साथ जो हुआ उसने पूरे चौधरी परिवार की दुनिया ही हिला दी। दोस्तों, चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में एक आवारा जंगली कुत्ता उनके घर में घुस गया और उसने खैरी को काट लिया, जिसके बाद खैरी को रेबीज हो गया। दिन पे दिन खैरी कमजोर होती जा रही थी। चौधरी जी चाहकर भी खैरी को ठीक नहीं करवा पा रहे थे। उन्होंने अपनी तरफ से खैरी को बचाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने खैरी के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया, अपने देसी नुस्खों का भी इस्तेमाल किया, पर उस समय रेबीज का कोई इलाज मौजूद नहीं था, जिस वजह से 1981 एक दिन चौधरी जी की आंखों के सामने खैरी की मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत के बाद मानो चौधरी जी जैसे सदमे में चले गए। उनको खैरी की मौत का इतना बड़ा झटका लगा था कि सन 1982 में चौधरी जी का ही सर्गवास हो गया। चौधरी जी और खैरी का रिश्ता इतना अनमोल था कि वो जब तक रहे साथ में ही रहे, और जब दुनिया को छोड़ने का समय आया तो दोनों ने साथ में ही दुनिया को छोड़ दिया। बाद में सन 1983 में इंडियन गवर्नमेंट ने चौधरी जी का प्रकृति के लिए प्यार और समर्पण देखकर चौधरी जी को पद्मश्री से नवाजा। चौधरी जी और खैरी की मौत के बाद नालिनी काफी बुरी तरह से टूट गई थी, पर वह इस हादसे के बाद काफी समय तक जीवित रहीं और अभी कुछ सालों पहले 88 की उम्र में नालिनी की प्राकृतिक रूप से मौत हो गई। हालांकि यह तो मुझे पता है कि आज के समय में जंगली जानवरों को अपने इलाके में या अपने घर में रखना मुमकिन तो नहीं है, पर हम सब साथ मिलकर यह कसम तो खा ही सकते हैं कि हम अपने पर्यावरण और पर्यावरण में मौजूद जानवरों का ख्याल रखेंगे और उन्हें हमारी वजह से कभी कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।